ये नंबर नहीं है, ये स्पीकर के चुनाव में क्लियर हो गया था। अब ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अवधेश पासी का नाम आगे बढ़ाया है और उन्होंने ये कहा है कि एनडीए को भी साथ देना चाहिए, आपको इस पर पहली आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, अभी जब आपकी रिपोर्ट में देख रहा था तो उसमें भी एक बात आई थी कि विपक्ष ने एक नैरेटिव खड़ा किया कि एनडीए या भाजपा जो है वो दलित विरोधी विचार, और वो काफी कामयाब हुआ। मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव भी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाता हुआ दिखता है, क्योंकि अगर भाजपा जो है वो प्रतिपक्ष को उपाध्यक्ष पद देने में जरा भी रुचि रख रही होती तो बगैर किसी विवाद के स्पीकर का चुनाव हो गया होता। इसका मतलब भाजपा ने एक अड़ियल रवैया अपनाया कि नहीं, हम जो है वो दोनों पद एनडीए में ही रखेंगे। तो ऐसे में संभावना नहीं लगती। और जो आप कह रहे हैं कि भाजपा को ये सोचना पड़ सकता है कि दलित वोट छिटक रहा है, ये सही है, लेकिन उसके साथ भाजपा का इस सरकार की जो एकमात्र उपलब्धि सबसे बड़ी नजर आती है कि किसी चीज पर अड़ जाना। तो ऐसे में अगर वो उपाध्यक्ष के पद के लिए सहमति की स्थिति में आती है तो उसकी वो छवि दरकती हुई दिखेगी, मुझे नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि ममता बनर्जी ने इसके पहले भी, चूंकि वो स्पष्ट सी बात है कि वो विपक्ष की सर्वमान्य नेता कहलाना चाहती हैं, बहुत से प्रयास करती हैं, लेकिन कई बार जब कुर्बानी देने की बात आती है तो पीछे हट जाती हैं, और उनकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस है। ऐसी स्थिति में जब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, ये अंदरूनी मुद्दा हो सकता था, लेकिन क्या जरूरी था कि इसे सार्वजनिक रूप से कहा जाए कि इस मुद्दे पर हमारी सलाह नहीं ली गई, अंदर बैठक में करने के बजाय, गठबंधन के अंदर ये बात रखने के बजाय? इसका मतलब ममता बनर्जी के पास तो ये कारण है कि वो अपने को सपा का बेहतर हमदर्द साबित करते हुए निकट आना चाहती हैं और कुछ सुर्खियां बटोरना चाहती हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नजर नहीं आता। सुर्खियां बटोरना चाहती हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक जी, मैं अगर आपसे समझूं, जो नंबर क्लियर है आपने सबके सुन लिए, लेकिन यूपी के लिहाज से अगर मैं बात उठाऊं, जिस तरीके से अवधेश पासी एक फैजाबाद सामान्य सीट से, उन्होंने पहले जनरल कैंडिडेट सीट पर एससी कैंडिडेट दिया और वहां से वो जीत के आए और अब उनका नाम डिप्टी स्पीकर पद के लिए चल रहा है, ये तय है। अगर 24 के जो चुनाव नतीजे हैं उसके हिसाब से विधानसभा वार देखा जाए तो 188 सीटों पर आगे हैं केवल समाजवादी पार्टी और 23 सीटों पर कांग्रेस भी आगे। तो ऐसे में बीजेपी, अगर 27 के लिहाज से समझें, बीजेपी ये रिस्क लेगी कि वो इस नाम का विरोध करे या कोई कंसेंसस बनाकर डिप्टी स्पीकर पद दे दे? देखो, बीजेपी के पास क्या दलित चेहरा नहीं होगा क्या? क्या इस देश ने राष्ट्रपति चुनावों को लेकर के नहीं देखा? पिछली बार दो बार में विपक्ष ने जिस दलित मुद्दे पर राजनीति राष्ट्रपति चुनाव को लेकर की और चुनाव लड़ना चाहा तो बीजेपी ने और बढ़ा दे दिया नाम। तो ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी के पास या इंडिया गठबंधन के पास ही दलित नेता हैं। या दलित नेता की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी और अग्रणी है, भारतीय जनता पार्टी में तमाम बड़े दलित नेता हैं। समझने की बात यह है कि आप देखेंगे जब स्पीकर पद पे घोषणा की तो क्या कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथियों को भरोसा लिया है, विश्वास में लिया? नहीं लिया। ममता बनर्जी से बात राहुल गांधी बाद में करते हैं, अभिषेक बनर्जी से बात होती है, नई बात बन पाती है, फिर ममता बनर्जी से बात करते हैं, वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं तो ममता बनर्जी का क्या बयान आता है, तृणमूल कांग्रेस का क्या बयान आता है। इससे पहले आप देखेंगे खड़गे साहब की नाम की घोषणा ममता बनर्जी ने और केजरीवाल जी ने की कि साहब खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। दिक्कत यह है कि सुपरमैन कौन रहेगा इंडिया गठबंधन में, चर्चा इस पर होनी चाहिए।
क्या ममता बनर्जी ने बिना कांग्रेस को भरोसे में लिए ये नाम का समर्थन कर दिया, बढ़ा दिया, और कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं अभी तक? तो कांग्रेस के सामने तो खड़ा कर दिया ना, जो जो के सुरेश को लेकर के जो नाम की चर्चा थी, पहले भी के सुरेश को डिप्टी स्पीकर के लिए तैयार किया गया था, नहीं डिप्टी स्पीकर के लिए तैयार किया गया था, बाद में स्पीकर के लिए लेकर के वो आ गए, तो एक दलित के रूप में वो भी राजनीति करना चाह रहे थे। लेकिन स्थिति आप ये देखिए कि जब ममता बन स्पीकर का की घोषणा हो जाती है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं आप देखिए, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन और राहुल गांधी वहां लेकर के जाते हैं, बधाइयां देते हैं, तृणमूल कांग्रेस ने बधाइयां नहीं दी उस समय। तो ये जो बिखराव की स्थिति है, उस बिखराव की स्थिति को कैसे रोकेंगे? शंखु टाइप की असेंबली आ जाती है ना, सदन होता है ना, तो फिर कौन किस पड़ले में किधर बैठा है वो सारा हिसाब लगाता है। अनिल जी आपके पास आऊंगा, क्या बीजेपी के लिए ये थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं आती है अगर ऐसा आता है कि स्पीकर का चुनाव हो ही गया, डिप्टी स्पीकर नहीं भी थे तब भी चलेगा, 2019 से 2024 के बीच में था नहीं, लेकिन क्या ये बीजेपी झेल पाएगी, जिसको अपने यूपी वाली भाषा में समझे कि अगर वो अवधेश पासी के नाम, जो उनके नाम के आगे जात लगी है और जितना जातिवादी है चुनाव हो जाता है और दोनों पक्ष करते हैं, इसीलिए मैंने बोला और सवाल आपसे लिया, तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी अब इस स्थिति में है? 24 के जो रिजल्ट आए हैं और 33 सीटों पर सिमटी है और 37 पर समाजवादी पार्टी आ गया जीती है। पुष्कर जी, अभी जो सुनील जी कह रहे थे, मैं इनकी बात का 100% समर्थन कर रहा हूँ। वजह क्या है, ये ठीक है कि एक दलित नाम है, ये भी ठीक है कि एक जनरल सीट से जीत के आए हैं, ये भी ठीक है कि फैजाबाद जैसी एक बड़ी सेंसिटिव सीट से जीत के आए हैं। लेकिन क्या सवाल ये है कि बीजेपी के पास और कोई दलित है नहीं कि जो दलित के नाम पर मार खा ले? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बात तो समझ में आता है, केस का नाम पहले प्रो टाइम स्पीकर के लिए चलाया था, इसलिए चलाया क्योंकि वो लंबे टाइम तक जीत रहे थे और दलित वर्ग से आते, वहां नहीं चला तो स्पीकर के लिए चला दिया। अभी डिप्टी स्पीकर के लिए हो सकता है ये लोग भी अपना केस वापस लेके आ जाए। लेकिन सवाल ये है, जो इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं, जो वो दलित ने अपने दलित नेता को दे सकते हैं, वो दे रहे हैं क्या? क्या कांग्रेस ने एलओपी किसी दलित को क्यों नहीं बना दिया भाई? वो तो आप दे सकते थे, आपके हाथ में था। नहीं नहीं नहीं, एलओपी कैसे दे देंगे भाई? अनिल जी क्या बात कर रहे हैं, एलओपी पद उसके पास जाएगा जिस पार्टी के सांसद 54 से ज्यादा होंगे, वो कहां से दे देंगे? कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने के सुरेश को एलओपी क्यों नहीं बना दिया इतना दलित प्रेम था, तो वो तो उसके हाथ में था ना, क्योंकि कांग्रेस नहीं तो फिर भाजपा के पास भी तो बहुत लोग हैं दलित। ये वाली ये दलील यहाँ नहीं लगेगी ना, ये दलील नहीं, जो नेता चुनाव जिताता है वही सत्ता पहुंचे तो प्रधानमंत्री। वो पहले मेरे बात सुनिए, कांग्रेस या दूसरे जो भी इंडी गठबंधन के दल है, वो सारे के सारे दलित नेताओं को वो चीज क्यों देना चाहते हैं जो उनके हाथ में नहीं है? मेरा पॉइंट ये है, जो उनके हाथ में वो तो दे नहीं रहे, अपने अपने दल का नेता बना देना उनके हाथ में। वो बीजेपी के पास ये जाके क्यों कहते कि हमारे दल के नेता को, हमारे हमारे दल के किसी बड़े नेता को? अरे वो कहां कह रहे हैं बीजेपी, सुनो भाई, इस नाम को हम आगे करेंगे, आप गलत बात ले रहे हैं। देखिए नहीं, गलत नहीं रहा, मेरा पॉइंट है, आप इस पॉइंट को समझिए, जो चीज अपने दलित नेता को दे सकते हैं वो नहीं देना चाह रहे, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो जो नरेशन आपका पॉइंट ले लिया, 400 मैं अगली बात पे आता हूँ, अब मैं अगली बात 10 सेकंड रोक दीजिए, अगली बात पे आता हूँ। दूसरी बात है कि जहां तक उपाध्यक्ष का सवाल है, अगर भाजपा ने एनडीए ने इनको देना ही होता तो स्पीकर का चुनाव ही नहीं होता। स्पीकर का चुनाव हुआ ही इसलिए कि भाजपा ने स्पष्ट मना किया कि आप इसको पहले सर्वसम्मति से होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। वो नहीं माना तो ये तो तय है, या तो 2019 और 2024 के बीच में जो नहीं था उपाध्यक्ष वैसा रहेगा, और होगा भी तो फिर एनडीए से होगा, इंडी गठबंधन से होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। ठीक है कुबूल जी, ये तो क्लियर कर दिया अनिल जी ने कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो या तो जैसे 2019 से 24 तक खाली छोड़ दें, वो वाली ले लें, कोई ऐसा तो है नहीं कि देना जरूरी है, और इंडी गठबंधन से नहीं देंगे। आपको क्या लगता है? और मैं जिससे भी सवाल ले रहा हूं ना कुबूल जी, सवाल इसको 2027 के परिप्रेक्ष्य मुझे और समझाइएगा, क्योंकि चुनाव 2027 जरूरी है। पहली चीज ये है कि आज की तारीख में जो मौजूदा सरकार है वो बीजेपी सरकार नहीं है, एक बात समझ लें, वो एनडीए सरकार है।
2014 और 2019 वाली स्थिति भी नहीं एक भी। दूसरी चीज ये है कि अवधेश प्रसाद को ही आखिर क्यों डिप्टी स्पीकर के लिए अपोजिशन ने नाम जो है उसके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है, उसके पीछे सीधी सी मतलब है कि एक तरह से उसके सियासी मकसद हैं, सियासी मायने। अवधेश प्रसाद उस राजनीतिक प्रयोगशाला से निकले हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी जिस प्रयोगशाला के जरिए अभी तक राजनीति करती रही है, जिस अयोध्या राम मंदिर के जरिए पूरे देश में डंका पीट के 202 सीटों से लेके आज जो सत्ता के उरूज पर बैठी है उसमें उसी राजनीतिक प्रयोगशाला का हाथ रहा। उसी राजनीतिक प्रयोगशाला में भी समाजवादी पार्टी ने भी एक प्रयोग किया, जो खास तौर से बीजेपी की हिंदुत्व या राम मंदिर आंदोलन की पूरी राजनीति रही वो अयोध्या के इर्द गिर्द रही। समाजवादी पार्टी ने इस बार एक नया प्रयोग यह किया कि एक जनरल सीट पे एक दलित कैंडिडेट को उतारकर, केवल उतारा नहीं बल्कि जिता के ले आए, और बीजेपी अभी तक जिस सियासत करती रही और जिसको पूरे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता से लेकर बड़े नेता पीएम मोदी तक ये कहते रहे कि इस बार सत्ता में वही आएंगे जो सत्ता में उन्हीं को लाना है जो अयोध्या में रामलाला को लाए हैं, यानी सीधे बात थी कि बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया है, उनको लाएंगे। हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो और वो पूरा नैरेटिव की इस बार वो हवा निकल गई, और वहां पे हवा निकल गई जो हमेशा के लिए, अब आप जान लीजिए आज के बाद आप खास तौर से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या पे कम से कम राम के नाम पे तो राजनीति नहीं करेगी। अवधेश प्रसाद ने उस नैरेटिव को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक चीज, अब अवधेश प्रसाद इतनी उपयोगिता क्यों है? दरअसल अवधेश प्रसाद अपोजिशन के लिए उस तरह से हैं जो बीजेपी को हमेशा चिढ़ाने वाला, जो खास तौर से बीजेपी के रणनीतिकार, जो बीजेपी के स्ट्रेटजी मेकर, जो अभी तक चाणक बन के घूम रहे थे, वो सारी चीजें उस अयोध्या में जाके फेल हो गई, जहां अखिलेश यादव ने एक जो है समान सीट पे एससी कैंडिडेट उतार के और बीजेपी के लगातार दो बार के मौजूदा सांसद को धूल चढ़ा दिया। अब यहां से सारी चीजें बदली, और इस बार के चुनाव में अभी तक हमने देखा कि जो पिछले 10 सालों में जो दलित समुदाय था, खास तौर से पासी समुदाय जो बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता था, वो इस बार बीजेपी के साथ नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा नजर आया है। वो भले ही संविधान के नाम पे आया हो, वो भले ही समाज अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए आया हो, लेकिन इस बार वो आया है, और वही उसने आके ये हालत कर दी कि भारतीय जनता पार्टी अगर आज सत्ता से के बहुमत से दूर है तो वो उत्तर प्रदेश के जरिए दूर है, और क्योंकि आप देख लीजिए जो सत्ता बहुमत में जो सीटें कम हो रही हैं 29 सीटें घटा दिया जाए तो आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए अवधेश पर, और दरअसल इंडिया गठबंधन इस बात को बाखूबी समझता है कि उसके पास नंबर गेम नहीं है इस डिप्टी स्पीकर के लिए, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत बड़ा बात होती है, एक नैरेटिव। जैसे फिरोज भाई ने अभी कहा कि जो 2024 के चुनाव में जो दलित विरोधी नैरेटिव एस्टेब्लिश किया गया उसी को आगे बढ़ाने के लिए ही अवधेश प्रसाद का नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि समाजवादी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है तो उसको उत्तर प्रदेश में, खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, तो दलितों को नुकसान बहुत उठाना पड़ सकता है। एक चीज, अवधेश प्रसाद दलित राजनीति के इस वक्त ब्रांड एम्बेसडर, बार बार कहा जा रहा है कि अरे अवधेश प्रसाद ही क्यों, दरअसल अवधेश प्रसाद इस बार अपोजिशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर की तरह है। आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी जब स्पीच दे रहे थे, सनातन धर्म की बात कर रहे थे, राम मंदिर की बात कर रहे थे, तब उन्होंने अवधेश प्रसाद का उदाहरण देके कहा, यानी कि अब जब भी बात होगी अवधेश प्रसाद का नाम बार बार आगे बढ़ाया जाएगा, और बीजेपी को विरोध करना ये बहुत महंगा आने वाले चुनाव में पड़ सकता है।